भाव मतलब कीमत, भाव मतलब मूल्य, और भाव मतलब आपका वजन, आपका चरित्र, आपकी नियति। कहते इस भाव से हमने नहीं बोला था, कहते हैं ना कि हमारे कहने का भाव अलग था। भाव एक ही शब्द के अनेक अर्थ है। भाई सब्जी किस भाव दिया, तो भाव अलग हो गया। और आपके मन में क्या भाव है, ये भी एक भाव है। सद्भाव हो या दुर्भाव हो, तो दूध से पानी अलग कर दें, खटाई डालने से हो जाएगा। तो यहां शब्द प्रयोग किया कपट खटाई। दो मित्र, दो साथ रहने वाले, दो संगी, यदि उसमें झूठ और कपट आ जाए तो दोनों के भाव अलग हो जाते हैं, दोनों की कीमत अलग हो जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चाहे वो मित्रता हो या परिवार हो या संगठन हो, विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास के आधार पर पति पत्नी के संबंध टिकते हैं और पूरे परिवार का संबंध टिकता है या संगठन का संबंध टिकता है। परिवार क्या है? लोग सोचते हैं पति पत्नी है, बाल बच्चे हैं, तो यह हमारा परिवार है। नहीं, कहा जाता है पवित्र उद्देश्य से एक उचित विचारधारा के साथ मिलजुल कर कुछ लोग रहते हैं, उसको परिवार कहा जाता है। विचारधारा एक हो, उद्देश्य एक हो और एक दूसरे से विश्वास हो, सहमति हो, तो समझे कि ये परिवार है। अगर ऐसा नहीं होता, केवल पति पत्नी बच्चे वाले को ही परिवार कहा जाता, तो ये संघ परिवार कहां से आ जाता, ये गायत्री परिवार कहां से आ जाता, ये स्वाध्याय परिवार कहां से आ जाता। दुनिया भर के संगठन हैं ऐसे जिनके आगे परिवार लगा है। तो जो भी महिला महिला भी मिलके अगर रहती है तो एक परिवार है, पुरुष पुरुष भी मिलके रहते हैं तो वो भी एक परिवार है, और एक शादी करने के पश्चात भी, खून के रिश्ता होने के बाद भी तकरार ही तकरार जहां है, तो समझ लो परिवार नहीं है। विश्वास परिवार का आधार है। विश्वास टूटा परिवार खत्म, समझौता करके जी लो।